हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पार्ट 10 है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गई है और मैं पूरा पार्ट आपको समझा चुकी हूँ। और अब हम इसके करने जा रहे हैं आज से क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, जिसमें हमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, वन चूज करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है। तो मैंने बताया था आपको तीन फसल होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल जो है इसमें वो है गेहूं, ठीक है। निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। खरपतवार क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। खरपतवार होते हैं जिसमें जो कि घास के हमारी जो फसल होती है, फसल के बीच में अवांछित घास पैदा हो जाती है, उसको बोलते हैं खरपतवार। जिस जो हमें नहीं चाहिए वो घास बन जाती उग जाती है, उसको बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार नाशी है इसमें मेटाक्लोर, यूरिया, कंपोस्ट, मेटाक्लोर एंड अमोनियम सल्फॉस्फेट। आंसर इज मेटाक्लोर। थर्ड इज यूरिया उर्वरक है। यूरिया जो है वो कैसा उर्वरक है, ये नाइट्रोजनी उर्वरक है, फॉस्फोरी, पोटेशिक और संयुक्त। तो इसका आंसर है नाइट्रोजनी। अगला है घै, साहिवाल है। साहिवाल एक नस्ल है जो कि देसी गाय की नस्ल है, मैंने पढ़ाया भी था इसको आपको। तो ये है गाय का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे कहलाते हैं। तो एक ही किस्म के पौधे जब एक जगह पर उगाए जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है फसल। तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है। ये जो है ये जायद की फसल है, तरबूज खरबूजा और मक्का, और इसके लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त रहती है, ठीक। बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र हैं। तो बुआई मतलब बीज बोने के जो प्रयुक्त किए जाते हैं यंत्र, वो है डिबलर तथा बीज भेदक, ठीक है। और घ है सोनालिका की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो सोनालिका किसकी फसल है, ये है गेहूं की फसल। काटला, रोहू जल में पाई जाने वाली मछलियां हैं। जो काटला और रोहू है ये एल अवर जल में पाई जाने वाली मछलियां हैं। ये मैंने आपको बताया था एल अवर जल होता है नदी का, झील, तालाब इनका होता है, और लवण जल होता है सागर और महासागर का, जहाँ पर खारा होता है पानी, वो लवण है, लवण की वजह से ही उनका पानी खारा होता है, ठीक है। अगला है सही जोड़े मिलाइए। तो सही जोड़ों में है डिबलर है, अभी ऊपर भी आया था कि बुआई की विधि है डिबलर, साइलो भंडारण की विधि है, साहिवाल गाय की किस्म है, सालमोन मछली की नस्ल है, वाइट लेक हॉर्न मुर्गी की नस्ल है, और शार्क से हमें मिलता है विटामिन ए और डी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है, और मतलब ये तीन क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चन नंबर 4, 2, 4, 5 एंड 6 एंड 7 ये मैं आपको कराऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय।